हेलो फ्रेंड, नमस्कार। अंशु टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है। ये हमारा गुलदाउदी का पौधा है। ये कली से अब फूल बनने वाला है। देखिए इस तरह का अब फूल खिलने ही वाला है फ्रेंड। इस तरह का सब कली हो गया है सारे पौधे में। हमारा सारे पौधा जो है एक ही कलर का है। इसे मैं एक ही पौधा से कटिंग करके मैंने लगाया था, तो इसीलिए सारे प्लांट एक जैसा ही है और येलो कलर का। मैंने एक ही पौधा लाया था नर्सरी से, उससे मैंने ढेरों सारे कटिंग से लगाए हैं, तो सारे पौधा हमारा एक जैसा ही है, एक कलर का ही। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह का जब कली खिल रही है तो इसमें मैं खाद डालूंगी, उससे बहुत ही जल्द इस तरह का फूल खिलेंगे। मैंने एक गमलों में खाद डाला था तो इस तरह का फूल खिल गए हैं बहुत ही आसानी से। तो अब हम सभी गमलों में खाद डालूंगी। देखिए मैंने एक पौधों में डाला था खाद, और इसमें तो अभी कली ही बन रही है। ये बहुत पीछे का पौधा था, इसमें अभी कली ही बन रही है और इस सब में फूल खिलने वाला है, तो इसमें मैं खाद डालूंगी। सबसे पहले पौधों के अच्छी तरह से सफाई कर लूँ, करके इसे मैं कोड़ाई कर दूंगी गमलों की। इस तरह का जो सूखी पत्तियां हैं उसे मैं हटा दूंगी, इससे है कि पौधों में हवा अच्छे से लगती है। इस तरह का सूखी पत्तियां सब हटा के साफ़ कर लेती हूँ। और इसका अब जो है फूल आने वाले हैं, इसका जब जो है ना पौधा बहुत ही नाजुक होता है फ्रेंड, उसके लिए इसे मैं ये लकड़ी का सहारा दिए हैं, छोटा सा लकड़ी का। इसे हम हर एक पौधों में सहारा दिए हैं, इससे है कि पौधों नहीं टूटेंगे बहुत ही आसानी से। बहुत ही नाजुक होता है, इधर उधर होता है तो पट सनी टूट जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसे लकड़ी का सहारा दिए हैं। तो इसे हर एक गमले को अच्छे से कोड़ाई मैंने कर लिया है, देखिए फ्रेंड। और सूखी पत्तियां को इसी में मैं डाल देती हूँ गमले में भी ही। तो कोड़ाई कर दिए हैं, इसमें सवेरे कोड़ाई कर दिए थे और दिन भर इसमें हवा लग गया है और धूप भी, तो इसमें अब मैं खाद डालूंगी कोड़ाई करके अच्छे से। हर 15 दिन पर इसमें मैं खाद डालती हूँ, तो इस तरह का अब कलियाँ खिलने वाली है। तो एक बार और मैंने खाद इसमें डाल दूंगी, तो इसके बाद फिर खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम खाद डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह का मैंने खाद बनाया है कंडे से। इसे 24 घंटे के लिए इसमें पानी में भिंगो कर रखा है, तो इसे मैं कंपोस्ट बना दूंगी और पौधों में डालूंगी। और ये इसमें मैं लिक्विड डालेंगे, इस तरह का लिक्विड जो बन के तैयार हुआ है उसे मैं डालूंगी पौधों में, सभी पौधों में, और उसका कंपोस्ट बना के बाद में सभी पौधों में डालूंगी। तो इस तरह का मैंने कोड़ाई कर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके। बहुत ही ये खाद बहुत ही फायदेमंद होता है, आप सभी पौधे पर में डाल सकते हैं, फूल हो, फल हो या सब्जियां में भी। हम इस तरह का पौधा खाद हमेशा घर में बनाकर डालते रहती हूँ, उपले से सबसे बेहतरीन खाद है। तो आप देखिए कितने सारे कली भी आया है इसमें। ये खाद डालने के बाद ये फूल इस तरह का खिल जाएंगे। ये इस पौधे में मैंने डाला था, देखिए इतने अच्छे फूल बड़े बड़े खिल गए हैं। तो उपले से बने हुए खाद आप भी डालिए गुलदाउदी के पौधे में, तो इस तरह का कली आ गई है, तो फूल इस तरह का खिलने में आसानी होगी।
और इसमें देखिए फ्रेंड अभी कली बन रही है, कोड़ाई करके इसमें मैंने खाद डाल दिया। तो हमारा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।